अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है दैट इज ऑल अबाउट ईद पार्टी एट आवर होम। सो दिस इज बेसिकली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड है, हम लोग करते हैं फ्रेंड्स के ईद पे स्पेशली, जब बहुत ज़्यादा वो होता है लाइक काम होता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमें हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है, क्लीनिंग से लेकर कुकिंग से लेकर और मैनेजिंग हाउस, हर चीज़ हम लोग खुद करते हैं। सो हम लोगों का यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है वन डिश पार्टी का या पॉटलक पार्टी का, वो बहुत ही ग्रेट कॉन्सेप्ट है। शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था और मुझे शर्म महसूस होती थी किसी को कहने में कि यार आई एम डूइंग अ वन डिश पार्टी एट माय प्लेस। मुझे लगता था यार लोग कहेंगे अच्छा हमें कह रही है खाना बना के लेकर आए। बट टू बी ऑनेस्ट विद पासिंग टाइम आई रियलाइज कि बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने अपने सब फ्रेंड्स को कहा कि नहीं यार, अगर हमें हर दूसरे तीसरे दिन मिलना है या हमें एवरी वीकेंड मिलना है या ईद वगैरह पे स्पेशली, तो हम लोग वन डिश किया करेंगे। वन डिश में ये होता है कि जो होस्ट होता है वो दे टेक केयर ऑफ लाइक जो छोटी छोटी चीज़ों का, दे जस्ट टेक केयर ऑफ इट। जैसे कि मैंने डिज़र्ट टेबल सेट किया है बिकॉज इट्स ईद की पार्टी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी अभी। और जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब खाने की कोई ना कोई डिश बना के ला रही हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो इससे क्या हुआ कि मेरा बर्डन बिल्कुल जो है ना नॉट आई वुड से ज़ीरो, क्योंकि मुझे पूरा घर जो देखें साफ करना पड़ा, मुझे सफाइयाँ शफाइयाँ भी करनी पड़ी। एंड देन ऑब्वियसली एक एनजाइटी होती है, आपके घर पे लोग आ रहे होते हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं, तो आपको और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट और पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि एक बंदे पे बर्डन नहीं डालना चाहिए और ये जो वन डिश का ट्रेंड है ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जब तक मैं पाकिस्तान में थी तब तक तो नहीं था, अभी का मुझे पता नहीं है, हो सकता है स्टार्ट हो गया हो, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आई विल एनकरेज यू ऑल के जो है ये वन डिश का कॉन्सेप्ट जो है ये लेकर आएँ आप लोग दावतों में अपनी, ताकि एक बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ऑब्वियसली फाइनेंशियल बर्डन भी शेयर हो जाता है जब सब कुक कर रहे होते हैं, और फाइनेंशियल से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यार मतलब आपको इतना, एक बंदे को इतनी चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती, लाइक उसकी हर चीज़ शेयर हो जाती है। सो आई होप सो कि आप लोगों को ये व्लॉग मज़े का लगेगा। मैं आपको सारी चीज़ सेटिंग दिखाती हूँ आप, और अपना डेजर्ट टेबल दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सेट किया है। एंड या आइए सबसे पहले तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। सो आई ऑलवेज बिलीव के वेन यू आर होस्टिंग तो आपको हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स और शूज़ पहनने चाहिए, टू मच ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ हल्की सी बैंगल्स पहनी है, इयर रिंग्स पहने एंड दैट्स इट, मैंने रिंग्स नहीं बहुत ज़्यादा पहनी है। दिस कुर्ता इज फ्रॉम सिफायर पाकिस्तान, ये मेरी बहन अभी जब आई थी सिडनी से शी गॉट इट फॉर मी, शी ऑर्डर्ड ऑनलाइन, और ये साथ मैंने प्लीट्स वाली शलवार पहनी हुई है और साथ ये मेरे खुसाज हैं बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप इट कम्फर्टेबल। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है मेलबर्न में, तो उसकी वजह से जो है मैंने ये लॉन का बेसिकली कुर्ता है, उसमें बहुत ही प्यारी ये एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है। सो इट्स नॉट टू हैवी एंड नॉट टू सिंपल, लाइक ओकेश रखा हुआ है। वो स्टार बाजी जो है हमारी वो घूम रही हैं फुल टाइम और मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए वो भी तैयार हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ, सफाइयाँ शफाइयाँ हो गई हैं, आमिर हेल्प मी अलॉट इन द क्लीनिंग, और ये मेरे जो है नटेला पफ्स भी मैंने बनाए हैं फॉर माई डिज़र्ट टेबल, ये भी निकल रहे हैं। और मैं आपको इन द वीडियो आई विल शो यू गाइज कि मैंने प्रेप कैसे की थी इन सब चीज़ों की, हाउ आई प्रिपेयर्ड अ नाइट बिफोर फॉर एवरीथिंग। ये नटेला पफ्स मेरे टेबल पर जाते हैं, तब तक आप लोग पीछे की वीडियोज़ देखें जो कि मैंने रिकॉर्ड की हैं कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस, एंड उसमें आइडियाज़ भी डिज़र्ट के लिए शेयर किए हैं। एंड तब तक मैं जो है अपने नुटेला पफ्स रखती हूँ और फिर मैं आपको अपना डिज़र्ट टेबल दिखाऊंगी एंड देन डिनर टेबल और फिर पार्टी का थोड़ा सा माहौल, ठीक है जी। ईद की तैयारियाँ जो हैं ये चल रही हैं, ईद पार्टी की, और ये डिज़र्ट टेबल मैंने सेट करना है, अभी चल रहा है ये, यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, कुछ चीज़ें आपको दिखाती हूँ। सो आई एम मेकिंग द ट्राइफल शॉट्स, उसके लिए मैंने ये जली बना के इसमें डाल ली है, छोटी डिज़र्ट, ये वैसे वाइन ग्लासेस हैं,
इनको कहते हैं, बट डिज़र्ट कप्स के लिए भी ये यूज़ होती हैं। एंड ये कैनिमल्स हैं, इससे मैं स्ट्रॉबेरीज को कोट करूँगी वाइट चॉकलेट में। दैट्स सरोज, शी इज़ हैविंग हर डिनर। आर यू एक्साइटेड फॉर टुमारोज पार्टी? यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग? यू लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स? नो, व्हाई? आई एम एक्साइटेड टू ईट दिस। You excited to eat this? Yeah. It's gonna be so yummy. चलें जी, फिर बाकी तैयारी आपको बाद में दिखाते हैं। The only reason I'm eating it is because I want to one cup. Okay. So I have prepared some chocolate dipped strawberries using the strawberries and the candy melts. ये normal Kohl's के home brand candy melts मैंने लिए, just melted them in the microwave. और मैंने इसको डिप कर लिया इनमें, ये ड्राई हो गया। एंड दे टर्न आउट अमेजिंग, मतलब बहुत मज़े के लगते हैं। डू गिव देम अ ट्राई फॉर योर डिज़र्ट टेबल। नाउ वी आर गोइंग टू मेक कपकेक्स। अरुष इज हेल्पिंग मी फॉर मेकिंग द कपकेक्स। नाउ कैन आई पुट देम इन अ स्प्रेड? यप। आई लाइक एंड आई विल गेट द मिक्सचर रेडी। व्हाट? Oh, I'll get the mixture ready. Okay, can I help a little bit? Yeah. When you're doing it. I have a question. Yes? Can I eat one of the cupcakes? Once they are done. Okay. And then tomorrow. Okay. In the party. Okay. Are we supposed to ये वो औलाद है जो के खाना बनते बनते याद खा जाती है। I have a question. Yeah. Can we decorate mine? Yes, we can decorate all of them. Toppings. Yeah. Hello, it's me, Arush. Okay. जी जनाब, कपकेक्स का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। यू गाइस कैन सी, आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पून एंड विल पुट टू स्पून इन ईच एंड देन विल बेक देम। कि मैंने जली के बाद इसमें कस्टर्ड ऐड किया है और ऊपर मैंने छोटी सी रास्पबेरी जो है वो काट के लगा दी है। एंड माय कस्टर्ड शॉट्स आर रेडी टू गो ऑन द टेबल। लुकिंग सो क्यूट, है ना, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। इस साइड पे जो है ये कपकेक्स का एक बैच रेडी हो चुका है, जिसमें से ये एक चीकी मंकी जो है ये खा रही है, लॉलीपॉप, और एक मामा ने खा लिया, और दूसरा बैच जो है वो अवन के अंदर है। और इस तरीके से ये हमारी पार्टी की तैयारियाँ चल रही हैं, पारी हो रही है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे बेंच टॉप पे सेटअप किया है फॉर द खाना। लंच रखा है आज हमने, क्योंकि संडे है और मंडे हमारा वर्किंग डे होता है, सो ताकि सब आराम से जल्दी घर वापस जा सकें। ये मेरा वही जो डेकोर का सेटअप था वही है, इसमें मैंने ईद मुबारक की बंटिंग लगा दी है। एंड ये मैंने कपकेक्स जो बेक किए हैं, आई हैव गॉट कपकेक्स, ये कस्टर्ड शॉट्स हैं जो, एंड देन मैंने फ्रूट, बिकॉज इट्स अ डे टाइम पार्टी तो मैंने फ्रूट इस वजह से रखा है, वरना नाइट टाइम पार्टीज़ में फ्रूट नहीं रखती मैं, क्योंकि कुछ लोगों को फ्रूट सूट नहीं करता, वैसे भी फ्रूट शाम को नहीं खाना चाहिए, दिन टाइम में खाना चाहिए। यहाँ पे देर आर अ वैरायटी ऑफ बिस्किट्स एंड क्रैकर्स एंड केक, और ये जो नुटेला पफ्स अभी निकले हैं गर्मा गर्म, एंड देन ये ग्लेज्ड स्ट्रॉबेरीज, चॉकलेट ग्लेज्ड स्ट्रॉबेरीज। एंड ये जो है मैंने एक बड़े बोल में ट्राइफल भी बनाया है अपने मियाँ की फरमाइश पे, बिकॉज ही सेड कि ये चुनी चुनी सी चीज़ें खा के हमारा पेट नहीं भरने वाला, सो हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए। ये लास्ट ईयर का जो ईद मुबारक मैंने गोल्डन वाले फ्रेम में डाला था वो रखा है मैंने। एंड दिस इज़ हाउ माई होल टेबल इज लुकिंग। इस एंगल से भी दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा, ये भी मैंने शिफ्ट कर दिया, ये मेरी चेयर यहाँ पे होती थी ना और वो वहाँ पे था, तो मैंने इनको भी स्वॉप कर दिया, थोड़ा सा इधर से एरिया खुला खुला लग रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी थी तो वो काफ़ी सारी जगह जो है वो ले लेती थी। सो दिस इज़ हाउ माई होल डेजर्ट टेबल इज़ लुकिंग। यू गाइस टेक कैन टेक स्क्रीन शॉट्स अगर आप लोगों को लेने हैं तो, अदरवाइज़ आई विल शेयर द पिक्चर्स एज वेल ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम सो डू
गो एंड फॉलो मी। बाहर आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़े की धूप निकली हुई है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैक यार्ड भी दिखाती हूँ। दिस इज़ हाउ माई बैक यार्ड इज़ लुकिंग एंड सफाइयाँ शफाइयाँ सारी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टार बाजी जो है ये अब यहाँ पे चढ़ के बैठ गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमारे गेस्ट जो हैं वो खाने में क्या क्या बना के ला रहे हैं एंड देन फिर मैं आपको खाने की भी दिखाऊंगी वीडियो। मदीना भी तो आधा गिराती भी आई है। ये आया आपने कहाँ कहाँ गिराया इस सालक में? इस सालक को आपने कहाँ कहाँ गिराया? पसंद भी है। हाँ मदीना जी, टेस्ट फिक्स नहीं होते? नहीं होते, नहीं खैर है उसके साथ इतनी भी तो लूटनी पड़ी है वैसे। यहाँ से देखो इसीलिए पकड़ा हुआ पतीलियाँ सारी वो डिशेज हमारे घर में भी आती है नहीं आई YouTube वाले मक्खियाँ चख ले। YouTube व्लॉग पे आप जा रहे हैं? नहीं नहीं, किसको भूख लगी थी? नहीं मुझे तो नहीं लगी। पास्ते का जो पास्ते के ऊपर जो दो धनिये के दाने गिरे हैं ना, पार्सले जल्दी लेके आई हूँ। कहाँ पड़ा हुआ था ये? इधर पड़ा हुआ था। पार्सले को धनिया कहते तो बुरा पड़ा लगता है, सही बात है, बड़ी समझ आती है पार्सले। हेलो जीनिया, हाउ आर यू? ये प्यारे प्यारे बच्चे अरुष, हेलो इफी, हेलो इब्राहिम, हेलो मानो, हाय लुलू, आप पॉपिट खेल रही हो? ये बंदे लूटी लूट मचाने लगे, इनको खाने पास जाके बना कौन कितने डाल रहे जी? दे आर फॉर देम, कैन पीपल हैव द कपकेक्स? इसमें आपकी वीडियो बनेगी कि आप कितना खाना डाल रहे। यस जानू, यू कैन हैव इट, पर कैसे